इशू तो नॉर्मली हमने जब से अपना कार्यभार संभाला है मैक्सिमम इशू को हमने रिजॉल्व कर दिया है। अभी हमारे यहाँ दो इशू बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हमारे मेन गेट के सामने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से वेगस मॉल का ट्रैफिक की वजह से हमारी पब्लिक आना जाना सारा हमारा रुक जाता है। अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी दुर्घटना घट जाए, कहीं आग लग जाए, तो न एम्बुलेंस आने की जगह है न जाने की जगह है। सेम इसी तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ी का कहीं से आगमन होने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सारा ब्लॉक हो जाता है। ये पहली समस्या है, बहुत मेजर समस्या। दूसरा है हमारे सोसाइटी में कुत्तों की समस्या है, जिसको हमने काफ़ी एमसीडी से भी कॉन्टैक्ट किया, काउंसलर से भी कॉन्टैक्ट किया, लेकिन उसका उससे भी हम निजात नहीं पा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई किसी को कुत्ते काट करके घायल करते हैं, मतलब काफ़ी हमें परेशानी होती है। बेसिकली यही दो समस्या से अभी हम खेल रहे हैं, बाकी सब हमने जो हमारे एंड पे हो सकता था हमने रिजॉल्व कर। हमने एमसीडी को कुत्तों को लेकर के भी हमने अभी टीकाकरण का भी व्यवस्था कराया, कैंप लगवाया यहाँ पे। उसके बाद हमने जो वेगस मॉल को जो पार्किंग को लेकर के इशू चल रहा है, अभी मैं आपके सामने डीसीपी ऑफिस में मैं लेटर दे करके आ रहा हूँ। इससे पहले हम नजफ़गढ़ में भी जा करके दो बार लेटर दे करके आ चुके हैं। जो संडे मार्केट लगता है, इसको लेफ्ट या राइट कहीं से भी जो रास्ता ब्लॉक ना हो, उसके लिए हमने उसके लिए पत्राचार किया। सोसाइटी में मैं दिसंबर से यहाँ पे प्रधान बना हूँ, और दिसंबर से मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए यहाँ पे जितने कई साल से एमसीडी ने हमारा या किसी आरडब्ल्यू ने इनिशिएटिव लेकर के बच्चों का झूला वगैरह सब पूरा एकदम डैमेज हो चुका था, एक भी झूला कार्यरत नहीं था। लेकिन जब से मैं आया हूँ हमने आरडब्ल्यू का पैसा से इनफैक्ट हमने सारा झूला रिपेयर कराया, सबको पेंट कराया पूरा। अब आज के डेट में बच्चे खूब अच्छे से खुशी होकर के उसको यूटिलाइज करते हैं। पार्कों को सुदृढ़ बनाया, जब हम आए थे तो पार्कों की हालत बहुत ख़राब थी, साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। हमने उसको दूसरे एंगल पे चेंज कर दिया कि हमने ठेका वाला सिस्टम कर दिया, यहाँ पे सफाई का हमने ठेका दे दिया हुआ है। तो हमारा अपार्टमेंट आज पूरी तरह से आप देखोगे कि किसी भी डीडीए अगर फ्लैट से या डीडीए अपार्टमेंट से आप कंपेयर करेंगे तो हमारा अपार्टमेंट उससे कम से कम काफ़ी सुदृढ़ दिखा जाएगा, साफ़ सुथरा आप देखोगे। पार्कों की जो बारिश जब शुरू हुआ तो हमने माली एक्स्ट्रा रख करके हमने चारों तरफ प्लांटेशन कराया अपने पैसे से। हमने एमसीडी को भी मैंने कॉन्टेक्ट किया था, मैंने कॉल किया था एमसीडी में कि भाई हमारे को पौधा जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन्होंने पौधा देने से मना कर दिया कि हमारे पास पौधे नहीं हैं। फिर हमने करीब 11,000 रुपये का दे करके हमने जा करके नजफ़गढ़ से प्लांट खरीद करके ला करके पूरे पार्कों में हमने लगवाया। अथॉरिटी का सपोर्ट मैडम क्या होता है कि हम लोग के जो एमसीडी के साथ ज़्यादा ये तालमेल होता है कि जल बोर्ड के साथ होता है, तो ऐसे तो एक दो बार आदमी जाने से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उसके लिए आप निरंतर जब हम प्रयास करते हैं, लगातार जाकर के प्रेशर देते हैं, एक काम के लिए हमें 10 बार जाना पड़ता है। हाँ, 10 बार ये है कि इतना हम लोग फॉलोअप रखते हैं जिससे हमें उसका समाधान मिल जाता है। हमने रेसिडेंशियल बच्चों के लिए हमने अभी स्पोर्ट्स डे रखा था 14 अगस्त को, जिसमें सारे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब पार्टिसिपेट किए थे। उसके पहले हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा बच्चों के लिए, स्टेज प्रोग्राम हमने टाइम टू टाइम, हम लोग कोई भी फंक्शन होता है 26 जनवरी को भी हमने रखा था कि बच्चे स्टेज पे आकर के कुछ परफॉर्म करें, डांस कंपटीशन कुछ इस तरह से हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं।